आशीष केलकर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके स्टॉक्स उनसे पूछते चलते हैं। आशीष, पहले तो शुक्रिया कार्यक्रम को समय देने के लिए। सुजलॉन पे आज कंपनी घाटे से मुनाफे में आई, कुछ एक प्लांट को बेच सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट क्योंकि 18 का हर्डल था, आज गैप के साथ पार किया इसने। पहला टारगेट 20 रुपया, दूसरा टारगेट 25 रुपया। स्टॉप लॉस 16 रुपये का रख के कोई भी पोजिशन लॉन्ग है, बने रहे इसमें? डेफिनेटली बने रहना चाहिए क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम इस स्टॉक में आता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से वॉल्यूम्स में देख रहा हूँ, जिस तरह से शैडो इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम जो अभी अभी शुरू हुआ है वो जारी रहेगा। जो लक्ष्य आपने बताया 20 रुपये के और 25 रुपये के, तो इससे भी मैं सहमत हूँ, लेकिन बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जहाँ मैं देख रहा हूँ कि 23.60 रुपीज एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस साबित होने की संभावना है, तो वहाँ पे एक बार कॉशियस व्यू लेना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जिनकी पोजीशन है वो बनाए रखिए, नई पोजीशन बनानी है तो अभी भी बनाई जा सकती है। और आपने सही फरमाया, इसके लिए जो स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर वो मेरे हिसाब से 16.40 रुपये। ठीक है, दूसरा एक शेयर जिसमें ब्लॉक डील हुई है वह है नवकार कॉरपोरेशन का, इसमें आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। शेयर बहुत चला है, ये और भी चलने वाला है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी इसमें? फिलहाल अभी अगर हम इसका लेवल देखते हैं तो 191 और लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका फॉर्मेशन देखते हैं डिम्पी जी, तो मैं मानता हूँ कि 191 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे जहाँ से और ऊपर थोड़ा हेडरूम बाकी है। नई पोजीशन बनाने की सलाह तो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, लेकिन जिनके पास ये स्टॉक है ये उनको होल्ड करके रखना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सही उपयोग यहाँ करना होगा और मैं मानता हूँ कि चार्ट के ऊपर जिस तरह से फॉर्मेशन बनाए उसके हिसाब से 196 तक भी जा सकता है, वहां पे 195-196 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूँ। ठीक है, एक और शेयर आप देखिए वो है डिश टीवी, आज इसमें करीब 8 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। नो डाउट काफी स्ट्रांगली और काफी स्मार्टली ये 90 के ऊपर आके होल्ड करे अपने आप को, आज के टारगेट क्या समझे यहाँ सर? फिलहाल इसने अपने आप को 90 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश की है, मैं मानता हूँ कि यहाँ से वो 91.7 या 92 लेवल तक आज ही जाने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो जिनके पास ये पोजीशन है वो होल्ड करके रखे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए 92 पे। मैं मानता हूँ कि इंट्राडे अगर कोई ट्रेड है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, इस बीच इन्फोसिस को लेकर कुछ एक बैंड आ रहे हैं नीचे, आप अपनी खबर देख पा रहे हैं, विशाल सिक्का की तरफ से बैंड है और वो ये बता रहे हैं कि चुनौतियों के बावजूद मार्जिन्स में जो बढ़ोतरी हुई है इसको आगे भी मेंटेन रखेंगे। उनका ये कहना है कि कंसल्टिंग कारोबार में कुछ दिक्कतें हैं वो जारी हैं, उसको भी फोकस में रखा जाएगा ताकि कंसल्टेंसी जो बिजनेस है उसको पूरी तरह से ठीक किया जाए। कंपनी में जो भी बदलाव किए हैं उसका पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है और ये आगे भी वो कंटिन्यू रखेंगे अपने मार्जिन के साथ। उन्होंने ये भी कहा है कि मार्जिन को बढ़ाना और मेंटेन रखना दोनों एक चैलेंज है और उस पर वो आगे निकलेंगे, उनको भरोसा है। कंसल्टिंग कारोबार में दिक्कतें उन्होंने ऐसा माना और उसको लेकर वो फोकस उनका रहने वाला है। थोड़ी देर पहले नारायण मूर्ति साहब की तरफ से बयान आया कि बोर्ड के साथ अब कोई विवाद नहीं है उनका और उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड में बेहतर लोग हैं, काम करने का तरीका उनका ठीक है और जो एक्विजिशन और एक्सपेंशन के जो प्लान्स हैं इन्फोसिस के काफ़ी एग्रेसिव हैं, वो आगे बढ़ेंगे। तो आज शाम को हालांकि कॉन्फ्रेंस भी है लेकिन ठीक उससे पहले जो बयान आ रहे हैं ये इन्फोसिस को स्ट्रेंथ दे रहे हैं और आज इसमें करीब 2 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील भी हुई है जो कि करीब 972 के औसत भाव पे हुई है। उसके बाद से हमने देखा है कि शेयर के अंदर एकदम से सडन स्पाइक वापस भी आया, एक डिप बना बाजार के टूटने के साथ साथ, लेकिन ये भी ऊपर आया और बाजार भी अपने आप को अब 8800 पे होल्ड कर रहा है। एक बार इन्फोसिस का चार्ट भी आप देख लीजिए, ये कितना ठीक लग रहा है आपको आशीष? अगर हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले इसने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन बनाया है, वहां से जो मोमेंटम उसने पकड़ा है करीबन 900 रुपए लेवल से लेके ये 970 के लेवल पे कल आके क्लोज हुआ था, आज वापस एक 5-6 रुपए ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसका ओवरऑल फॉर्मेशन देखते हैं और टारगेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं चार्ट के हिसाब से, तो करीबन 990 का लक्ष्य फिलहाल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। 990-995 का ये जो बैंड है अगर इसको ये तोड़ता है तो ऊपर का सीधा लक्ष्य 1030 है। तो नई पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो यहाँ पे भी बनाई जा सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा 962 का और पहला लक्ष्य होगा 995 और दूसरा लक्ष्य होगा 1030। ठीक है,
उन्होंने ये बात भी बोली इन्फोसिस की, क्योंकि बैंड लगातार आ रहा है, बोला कि जो एट्रिशन रेट है उनके आने के बाद से, क्योंकि आईटी कंपनीज में नौकरी छोड़ने वाले लोगों की तादाद यानी कि शिफ्ट होने की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ी सी कम हुई है उनके आने के बाद। उनका मानना है कि जो कंसल्टेंसी कारोबार है उन पर, उस पर ज़्यादा फोकस होना होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि कुछ एक अकाउंट्स के अंदर वो डबलिंग करना चाहेंगे, यानी कि जहाँ से उनको अच्छा बिजनेस मिल रहा है वहाँ पर कारोबार को बढ़ाना भी चाहेंगे। तो उन्होंने ये बात भी बोली है, और उनका ऐसा मानना है कि जो $100 मिलियन यानी कि जो जिनमें अच्छे बिजनेस जहाँ से आ रहा है उसमें कुछ और फोकस भी उनका होगा, और कोर बिजनेस को वो ज़्यादा ध्यान रखेंगे बनस्पत इनऑर्गेनिक ग्रोथ के। तो कुछ एक बयान उनकी तरफ से और आते हुए दिख रहे हैं। लगातार जैसे जैसे बयान आते रहेंगे, हम आपको उसमें बताते रहेंगे उसमें मूव क्या देखने को मिल रहा है। टेक्निकल व्यू भी आपने भी इन्फोसिस पे सुना, लेकिन अब कुछ एक ऐसे शेयर्स जो कि आज कई दिनों के बाद चले, उसमें हिंदुस्तान मोटर्स है, क्योंकि एम्बेसडर ब्रांड इन्होंने बेचा। बड़ी खबर ना केवल इस कंपनी के लिए बल्कि इमोशनली भी आप सोच सकते हैं कि एम्बेसडर जिनके पास है या फिर जो रहने का सपना रखते हैं उनके लिए भी खबर है। हिंदुस्तान मोटर्स इस समय करीब 10% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। ये ऐसा कह सकते हैं आशीष कि सोया हुआ शेर जाग गया है, ये और भी चलेगा या फिर वापस सो जाएगा? आपने एकदम सही फरमाया है, अगर इसको हम देखते हैं तो करीबन 12 रुपए ऑड लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता हुआ है, लेकिन अगर हम इसका रिसेंट चार्ट देखते हैं तो 6.90 रुपए से लेके ये अभी 12 रुपए तक पहुंच गया है, और जिस तरह से ये ऊपर जाते वक्त वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है तो मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा निवेश साबित होने की संभावना है। अभी फिलहाल बाय हम कर सकते हैं इस स्टॉक को। अगर स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो क्लोजिंग बेसिस पर फॉलो करना होगा इस स्टॉक के लिए, और वो होगा करीबन 11.10 रुपए का। और ऊपर की तरफ अगर लक्ष्य तय करने की कोशिश करते हैं तो पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 13.50 रुपए का। 13.50 रुपए तोड़ के अगर एक स्टॉक ऊपर निकलता है तो डायरेक्ट 17 रुपए तक जाने की संभावना है, तो अच्छा निवेश साबित हो सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करो। एक बलरामपुर चीनी भी आप बता दीजिए, क्योंकि 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर है, नंबर्स तो ठीक ही हैं। बलरामपुर चीनी और कितना चल सकता है? बलरामपुर चीनी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी भी करीबन 155 ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो इसका पहला लक्ष्य चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है 160 का। वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस होने की संभावना है, लेकिन उतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पिछला अगर चार्ट देखते हैं तो जब जब करेक्शन हुआ है उसके बाद उसने और एक बड़ी उछाल यहाँ पे लगाई है। तो एक 160 का रेजिस्टेंस है, वो तोड़ता है तो अगला लक्ष्य जो होगा वो होगा 172 का। फिलहाल खरीदारी भी कर सकते हैं हम, इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 150 का, और लक्ष्य होगा 160 170।